अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल खैर है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे। तो जैसे कि ये मैंने MPPT चार्ज कंट्रोलर का वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आप देख रहे होंगे कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर है। तो जैसे कि आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, तो ये है 80 एम्पेयर MPPT चार्ज कंट्रोलर। तो हमारे पास ये है 80 एम्पेयर, तो आप इसको पोच करके देख सकते हैं कि 80 एम्पेयर और 24 वोल्ट 12 वोल्ट में काम करता है। तो अगर हम इसको देखें तो सिनकेट का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। तो ये है सिनकेट MPPT चार्ज कंट्रोलर, तो हमारे को ये बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। तो इसकी हम डेटा शीट भी आपको दिखाएंगे, जैसे कि इसकी साइड पे ये देखने के लिए डेटा शीट मिल रही है, और हमारे को एम्पेयर मीटर जो एम्पेयर बता रहा है और वोल्टेज बता रहा है, सोलर से आते हुए जो एम्पेयर है और बैटरी की चार्जिंग और एम्पेयर, ये सारा कुछ आप दोस्तों को दिखाएंगे। ये छोटी सी वीडियो है, आप दोस्तों को थोड़ी बहुत नॉलेज देंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो ये 48 वोल्ट और 24 वोल्ट में काम करता है और 12 वोल्ट में भी काम करता है। तो ये हमने लगाया क्यों है, तो वो भी आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। तो इसकी हम डेटा शीट है, जैसे कि हम आपको डेटा शीट इसकी जो है बता रहे हैं, ताकि हम इसको दिखा सकें और बता सकें। जैसे कि हमारे पास ये MPPT लगा हुआ है, बेहतरीन काम कर रहा है। ये इसके 3 बटन हैं, और हम ये इसकी LED है, और ये सोलर की है, जैसे कि ये सोलर के हवाले से काम कर रही है, इसमें लिखा हुआ भी है। तो मैं आपको ये ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ज़ूम करके आप दोस्तों को दिखा दिया है, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसके एम्पेयर जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि ये 33 एम्पेयर शो हो रहे हैं, 33 एम्पेयर। तो मैं और भी ज़ूम कर लेता हूँ, तो ये 33 एम्पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये एम्पेयर है, और ये हमारे को सोलर से वोल्टेज है, ये बैटरी के वोल्टेज हैं, और ये एम्पेयर हैं, और बैटरी और मज़ीद चार्ज हो रही है। और जैसे हम आप दोस्तों को दिखाना चाह रहे थे कि ये हमारी सोलर की LED है, जैसे कि ये लिखा हुआ है सोलर के हवाले से लिखा हुआ है इसमें, तो ये सारा कुछ इसमें है। बाकी हमने ये छोटी सी वीडियो है, ये वीडियो शेयर करने का मकसद ही ये था कि आप दोस्तों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती रहे। मेरी आइंदा आने वाली सोलर की वीडियो मिलती रहती है आप लोगों को। बाकी ये मैं इसकी जो डेटा शीट है, ये इसका मोनोग्राम है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और हम अगर साइड पे चले जाएं तो साइड पे ये आ रहा है डेटा शीट, तो ये भी आप लोग देख सकते होंगे। बाकी ओवरऑल इसका लुक MPPT का है, जिस तरीके से मैं आप दोस्तों को बता रहा था, दिखा रहा था। बाकी हमने इसका अच्छा फ़ायदा उठाया है MPPT चार्ज कंट्रोलर का, और इसके हम एम्पेयर भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। जैसे कि हमारे सोलर के जो एम्पेयर हैं वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे, और बैटरी में जो जा रहे हैं एम्पेयर वो भी दिखाएंगे एम्पेयर मीटर के मदद से। तो मैं आप दोस्तों को थोड़ा दिखाऊंगा कि ये 6 mm की वायर है, ये हमारी सोलर से आ रही है, और ये है हमारे पास 16 mm की वायर है, ये बैटरी में जा रही है, ये उसमें सोलर में से आ रही है, तो सोलर पैनल से आ रही है। अभी हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे कि क्या हमारे को सोलर पैनल एम्पेयर दे रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे कि 9 एम्पेयर के करीब करीब हमारे पास एम्पेयर आ रहे हैं, बल्कि 9 एम्पेयर ही इसको कहलाएंगे। इसके 9, ये देखें 9 एम्पेयर हो गया। तो ये लोड के हिसाब से ये आप देख रहे होंगे कि 9 एम्पेयर हमारे सोलर पैनल दे रहे हैं,
और ये 11 एम्पेयर 12 एम्पेयर तक भी जाते हैं अगर लोड ज़्यादा होता है तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये 31 32 वो एम्पेयर आ रहे हैं। तो हम अगर दिखाना चाहें तो इधर जितने एम्पेयर आ रहे हैं उतने ही शो करवा रहा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बाकी इसमें ये शो हो रहा है कि 32 एम्पेयर, 1 एम्पेयर का आगे पीछे होता है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि 9 एम्पेयर आ रहे हैं, तो ये मैं आप दोस्तों को फिर दोबारा सोलर पैनल से जो एम्पेयर आ रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा। तो ये 9 एम्पेयर आ रहे हैं, 9 एम्पेयर का मकसद ये है कि अभी हमारी बैटरियां चार्ज हो रही हैं। और अगर हम आपको बताएं तो बैटरियों के हवाले से, जैसे कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर अच्छा वर्क कर रहा है, और देखा जाए तो अच्छी इसकी वो प्रमोशन है। बाकी इसका जो मैं आप दोस्तों को बैटरियों का जो एक लुक है वो मैं आप दोस्तों को शेयर करूंगा। तो ये एक्साइड की बैटरियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक्साइड की बैटरियां हैं, और अगर देखा जाए तो ये इसका बैकअप के हवाले से मैं आप दोस्तों को फिर भी बता दूंगा। बाकी अच्छा बैकअप है इसका, मैं इससे एक वीडियो बनाऊंगा बैकअप के हिसाब से। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो बाकी छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो वीडियो को एंड करते हैं। ये हमारा एक वीडियो था। बाकी मैंने आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करी हुई है कि मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।